तो स्टूडेंट्स, अभी इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे, सॉल्व फॉर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सच दैट दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट टू अल्फा प्लस थ्री बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस वन। अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा माइनस थ्री बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा माइनस, ठीक है, अल्फा का एक फैक्टर बनेगा, एक बीटा का फैक्टर बनेगा, ठीक है इज इक्वल टू जीरो। अभी इसमें देखो, अल्फा का फैक्टर में क्या होगा, ठीक है, एक तो हम इसको अगर आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे मेरा माइनस थ्री आएगा। ठीक है, अब बीटा में यहाँ पे हम लोग ने बीटा का फैक्टर बनाया, बीटा का फैक्टर में माइनस टू अल्फा, ठीक है, ये और ये, तो मैं माइनस टू ले लिया, एंड माइनस टू नहीं, टू एंड थ्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस सिक्स प्लस वन प्लस वन, हाँ का ये बचा, तो माइनस फाइव आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस फाइव को वो साइड अगर ट्रांसफर किया तो मुझे फाइव मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें मालूम है, इसमें मैं अल्फा एंड बीटा का क्या वैल्यू पुट करूं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा का क्या वैल्यू पुट करूं, क्या वो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड करे, तो इसमें, ठीक है, या तो अल्फा का वैल्यू वन होगा, वन मतलब क्या मैं वैल्यू पुट करूंगा मुझे फाइव मिलेगा, ठीक है, इसमें क्या वैल्यू मैं पुट करूंगा मुझे फाइव मिलेगा, तो हम लोग इसमें अल्फा का वैल्यू मैंने वन लिया, वन एंड फाइव, अगर वन एंड फाइव को आपस में मल्टीप्लाई करो तो फाइव मिलेगा, ठीक है, या तो फाइव एंड वन ले लो, फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, फाइव इंटू वन वन मिलेगा, या आप माइनस वन एंड माइनस फाइव लो, ठीक है, या अब माइनस फाइव एंड माइनस वन लो, ठीक है, तो माइनस वन इंटू माइनस फाइव फाइव आ रहा है आपको, माइनस फाइव इंटू वन माइनस वन फाइव आ रहा है, तो ये वैल्यू अगर हम इसमें अगर पुट करके देखेंगे तो देखो आगे क्या होता है, ठीक है, वन एंड फाइव अगर हम पुट करते हैं तो अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू वन एंड बीटा माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा अल्फा इज इक्वल टू फोर एंड बीटा इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा का दो वैल्यू, ठीक है, तो ये चलेगा, हाँ ये काम करेगा। एक और काम करते हैं, अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव एंड बीटा माइनस टू इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू एट एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री, तो मेरा ये पॉजिटिव, ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया अल्फा एंड बीटा नेचुरल नंबर है, नेचुरल, तो यहाँ पे हमको दोनों नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड है, ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस वन एंड माइनस फाइव, तो अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन एंड बीटा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, तो अल्फा मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो टू आया एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो
ये तो ठीक है, अल्फा टू मिल रहा सही है, पर ये देखो इसके वजह से ये नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और हमको नेचुरल नंबर बोला है, अल्फा एंड बीटा नेचुरल नंबर है, तो ये कंडीशन नहीं काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, पूरा कंडीशन ही रॉन्ग होगा। और एक और देखो, अल्फा -3 इज इक्वल टू -5 एंड बीटा -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अल्फा -2 होगा एंड बीटा, मैंने वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया तो 1 आएगा, पर मेरे को अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है, ये भी गलत हुआ। तो हमको क्या मिला, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू 7 और अल्फा एन 8 एंड बीटा एन 3। सो ये हमको एक पर्टिकुलर आंसर मिला, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आप लोग और भी एग्जाम्पल ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।